खुशियों के लिए, मुस्कुराहट के लिए। आज बिहार में दो महारैली हो रही है, इधर आप पप्पू यादव की तरफ से हो रही है पूर्णिया में, बिहार में अमित शाह जी तो पूर्णियों आए थे ना, 5,000 आदमी नहीं जुट पाता और मैसेज क्या देते हैं। तो अमित शाह जी को बोलिए विशेष राज का अब क्या हुआ, दो गठबंधन हो गए और विशेष पैकेज भी मांगा गया, वो क्या हुआ। अमित शाह जी से बोलिए कि बिहार का पैसा कब देंगे, और उनको बोलिए कि चुनावी साल में जो आप 3 दिन बाद आचार संहिता लगेगा, इसके पहले आप और पीएम साहब और आपके दल के लोग उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये 10 साल में उद्घाटन की चिंता नहीं थी, कहाँ थे 17 साल जब साथ थे, कहाँ थे। ये हालात और ये दुर्गति बिहार की किसने की, जो 99% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वकील नहीं है। 84 करोड़ को आप खाना देते हैं तो हम खाते हैं, और आप गर्व से कहते हैं हम 84 करोड़ जनता को खाना देते हैं, तो इससे बड़ा बुरी स्थिति, किसानों को गोली मारते हैं, राशन कार्ड में बिना पैसा का नहीं बनता है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, आम आदमी की जिंदगी और उसके सुविधा की बात कब होगी, सिर्फ हिंदू मुसलमान चलेगा, सिर्फ गाली गलौज और नफरत की राजनीति। और ईडी सीबीआई, उनको अमित शाह जी को कहीं जाने की क्या जरूरत है, ईडी सीबीआई भेज ही रहे हैं वो। आपके रैली में आज कितनी संख्या देखी जाएगी सर, न भूतो न भविष्यते, वो आप खुद देखेंगे। जनता की रैली है, जनता अपनी खुशियों के लिए आ रहा है, जनता मेरे लिए माँ है, भगवान है, मेरी मिट्टी है, बिहार मेरा खून और कर्मभूमि है, और सीमांचल पूर्णिया कोसी मेरी माँ, मेरा जन्मभूमि, मेरी मिट्टी है, इसीलिए इसकी आज़ादी मर के लेंगे। पूर्णिया के बेटे को नज़रअंदाज करके किसी कोई भी बिहार में खुशी नहीं जुटा सकता, कोई सत्ता नहीं पा सकता।